अर्चना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरी। तो दोस्तों आज की हमारी खास स्टोरी में क्या है आपके लिए स्पेशल, ये आतंकी ओसामा बिन लादेन की पुरानी तस्वीर है। उन दिनों की फोटो जब वो अपनी माँ का शर्मीला मासूम और अच्छा बच्चा था। ये तस्वीर उस दौर की है जब उसकी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के इर्द गिर्द ही बसी थी। 50 भाई बहनों वाले ओसामा बिन लादेन को इस फोटो में क्या पहली ही नजर में आप पहचान सकते हैं? आमतौर पर भी जब भी जिहादी कट्टरपंथी लादेन का ख्याल हमारे मन में आता है तो लंबी दाढ़ी और पठानी सूट पहने एक शख्स का चेहरा उभरता है। लादेन को इस तरह पेंट और टोपी में देखकर हैरानी होती है, मगर ये फोटो उसकी ही जिंदगी के एक पहलू की बनाई गई है। हंसते हुए इस मासूम चेहरे को देखें, यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा आत्मघाती हमले करवाए, लाखों जाने ली, शहर तबाह कर डाले और जिहाद के नाम पर एक और कौम के चरित्र पर ऐसा धब्बा लगाया जो शायद ही कभी मिट सके। लादेन के पिता का नाम मोहम्मद बिन लादेन था। वो यमन में कुम्हार का काम करते थे। सऊदी अरब में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक्सटेंशन का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने सऊदी के शाही परिवार के लिए कई महल सस्ते दाम पर तैयार किए। इस वजह से धीरे धीरे वो शाही परिवार के करीब हो गए। किंग फैजल के राज के दौरान जब खजाना खाली हुआ तो मोहम्मद बिन लादेन ने शाही परिवार के सभी कर्मी के वेतन का भार पूरे 6 महीने तक उठाया। इसके बाद शाह ने ऐलान किया कि तमाम निर्माण के प्रोजेक्ट मोहम्मद के ही कंपनी को दिए जाएं। यही नहीं, लादेन के पिता को मंत्री तक बनाया गया। अमीर पिता का वारिस होने के नाते लादेन की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। कहा जाता है कि वो अक्सर परिवार के साथ अमेरिका और यूरोप में छुट्टियां बिताने भी जाया करते थे। लादेन के पिता की मौत एक प्लेन दुर्घटना में हुई, तब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। वहीं जब उसका जन्म हुआ था तब माँ आलिया घानिम ने पिता से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। 17 साल की उम्र में लादेन की शादी सीरिया की एक लड़की से हुई जो उसकी रिश्तेदार थी। लादेन ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जैदा में की। 1981 में उसने किंग अब्दुल्ला जीज यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो नीचे कमेंट और हमारी स्टोरी को शेयर और लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब।